सैफई में छात्रों के साथ हुई रैगिंग पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 7 MBBS स्टूडेंट्स को निलंबित कर दिया है, वहीं इन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल कुछ दिन पहले यूपी में सैफई की यूनिवर्सिटी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें सैकड़ों छात्र सिर मुंडाकर यूनिवर्सिटी में झुककर एंट्री ले रहे थे। सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पर जूनियर्स छात्रों के सिर मुंडा दिए थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। बता दें, सैफई के सांसद सपा पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट वेलफेयर के डीन को हटाने और घटना वाले दिन ड्यूटी पर रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त करने के अलावा हॉस्टल प्रबंधक को भी निलंबित कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी के कुलपति राजकुमार को भी तत्काल बैठक के लिए सम्मन भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।